दोस्तों नमस्कार, जोहर जोहर, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों मैं आपका होस्ट दोस्त रूपेश भागवत का स्वागत करता हूं अपने स्नैप ब्लॉगिंग वीडियो पे। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं सिरासार भवन, जहां छह जोगी बिठाई की रस्म, और इस वक्त हूं मैं मौली माता मंदिर में, और हमारे पीछे देख सकते हैं हमारे स्वामी भैया यहां के पुजारी। मैं आपको लेके जाने वाला हूं सामने सिरासार भवन में, जहां पे जोगी बिठाई की रस्म अदा होगी। और मेरे पीछे जो देख सकते हैं सोमेश भैया जहाँ खड़े हैं, वहाँ मौली माता मंदिर है। यहाँ कलश स्थापना होने के बाद पूजा पाठ होता है, उसके बाद में जो जोगी होते हैं उनके हाथ में तलवार दिया जाता है, कुछ कुछ पूजा पाठ होता है, उसके बाद वो तलवार को लेके वो जाते हैं सीधा कल से छत पर आएंगे हमारे पीछे सिरासार भवन में। तो चलिए आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ सिरासार भवन और दिखाता हूँ वहाँ के जोगी बिठाई की रस्म विधि विधान के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ नाथ है। रघुनाथ नाथ, कौन सा जाति में आते हैं आप? पहले हमारे जो दादा परदादा मेरे पिताजी थे, तो उन लोग उनके आगे जो मेरे दादा परदादा थे, उन लोग जोगी जोगी लाके यहाँ बैठाए उन लोग, तो उतना तो पहले वो नहीं था, मालूम नहीं था उन लोगों को, जोगी लाके यहाँ पे बैठाए, पद जोगी उनके जाति भी जोगी कर दिए। मालूम नहीं था इसलिए पद को भी जाति जोगी बना, जोगी बना, जाति नहीं है, हालांकि जाति जोगी जोगी जाति नहीं है। और आपका कौन सा गांव से है? राम बढ़िया पाल। और यानी यहाँ पे जैसे बैठते हैं तो एकदम यानी कुछ खाते नहीं कि जैसे दूध फल आहार लेते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं है, बस चाय, लाल पानी चाय और हल्का फुल्का गर्म पानी। तो जैसे अभी मौली मंदिर से तलवार लेके आए, वहाँ से उनका आज्ञा लेके यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। और आखिरी दिन कैसे क्या होगा? पूजा पाठ वगैरह ये करेंगे, लास्ट होगा तो यहाँ से फिर तलवार को मई जी के मौली मंदिर में फिर ले जाते हैं वहाँ पे रख देंगे। तो जैसे आज बैठे कितने दिन तक बैठेंगे?
9 दिन तक। और यहाँ पे क्या पूजा अर्चना भी होगा? पूजा अर्चना होती है, पूजा अर्चना हर दिन होगा, सुबह कलश सुबह शाम सुबह शाम होगा, सुबह शाम 9 दिनों तक यहाँ से बिल्कुल हिली। हाँ 9 दिन तक ये नहीं सोना है, यहाँ से निकलना ही नहीं है, बस इतना ही सोना है। तो ये सब